हेलो एवरी वन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कारियर ग्लो इन कारियर ग्लो इज़ ऑलवेज़ हैप्पी टू हेल्प यू इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो आपको पता है कि ये ई वी एस का सीरीज़ चला रहे थे हम जो कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ऑफ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मॉर्निंग शिफ्ट ई वी एस का ये अगले टेन क्वेश्चन हैं जो आज हम लेकर आए हैं इससे पहले हमने पिछले टेन क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लिए थे और अब हम नेक्स्ट टेन क्वेश्चन करने वाले हैं तो uh, बिना किसी देरी के पहले तो अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं मतलब अपना ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और बस आप इसको समझते रहो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता और हो सकता है कि जिस दिन ये वीडियो आए उससे पहले रिज़ल्ट आ चुका हो तो उसके लिए वी आई एम सो सॉरी बट फिर भी uh, चलते हैं पढ़ते हैं और अगर किसी का मतलब कुछ भी ऐसा होता है रिजल्ट में थोड़ा uh, नहीं हो पाता तो आप फिर भी uh, वो सैड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप दोबारा से मेहनत कर सकते हैं बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है इजी एग्ज़ाम है आप कर सकते हो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें तो बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है एटलीस्ट वन टू टू मंथ्स पढ़ने की ज़रूरत है और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे चलो तो बिना किसी देरी के हम अपना ये जो टॉपिक है शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटी है इससे पहले कि हम क्वेश्चन कर चुके थे अगर आपने नहीं देखें तो आपको वो जाके देखने की जरूरत है ना क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इज़ सोल्व द रिडल रिडल मतलब जो पहेलियाँ होती हैं आपको वो सॉल्व करनी है बहुत आसान है ये एक्चुअली ना क्या होता है कि देयर आर सम थीम्स इन ईवियस राइट तो बच्चों को ना टॉपिक वाइज नहीं थीम वाइज समझाया जाता है जैसे कि एनिमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं फूड होता है शेल्टर होता है रिलेशनशिप होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं ना तो ये कुछ ब्रॉड डोमेन्स या कुछ ब्रॉड थीम्स हैं एंड इसकी सब थीम्स भी होती हैं तो उन थीम्स में कुछ पक्षियों के ऊपर भी बात करते हैं तो उसी की रिडल है एक माई क्लॉज आर पिंक फेदर्स ग्रे ये आपने बहुत देखा होगा हमारे आस देखा होगा कि रंग स्लेटी पंजे गुलाबी ठीक है तो रंग स्लेटी जैसा है फेदर्स जो है, वो ग्रे जैसे हैं लेकिन क्लॉज जो हैं जो पंजे हैं वो गुलाबी हैं पिंक कलर के हैं गुटर गु गुटर गु आई गो ऑन ऑल डे मतलब मैं गुटर गु गुटर गु ही करता रहता हूँ इन हाउसेज आई मेक माई होम घरों में घरों के ऊपर एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो जो ये पिजन्स होता है ना वो मोस्टली डेजर्टेड एरियाज में घर बनाते हैं मतलब जैसे एकदम जो बहुत समय से खोला नहीं गया वहाँ पे घर बनाते हैं तो घरों के ऊपर या आसपास वो अपना घर बना लेते हैं जस्ट टेल हाउ आई एम नोन अब मतलब घरों में अपना घर बनाता हूँ बोलो क्या कहलाता हूँ इसका हल है द सोल्यूशन इज पीजन सिंपल ठीक है कबूतर कहते हैं इसको कोयल नहीं है कोयल अपना घोसला बनाती नहीं है पहली बात और ये डर्व एंड बाबिट भी नहीं है तो आपका जो आंसर है वो पीजन होगा क्योंकि ये कुछ इस तरह से दिखता है एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए भी दिया गया है ईवीएस में ताकि बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि हर पक्षी का नाम हो नाम याद हो लेकिन बच्चों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि कौवा कैसा दिखता है आउल कैसा दिखता है है ना वल्चर्स और इन सब के क्लाउज़ या जो इनके पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं क्लाउज़ कैसे होते हैं तो इसीलिए ये कैरेक्टरस्टिक्स दे रखे हैं तो ये कैरेक्टरस्टिक्स के बेस ऊपर क्वेश्चन था तो बोर्ड ने भी क्वेश्चन को थ्री ही माना है और आप लोगों को भी पढ़ते ही समझ आ गया होगा क्योंकि इतने तो आप बच्चे नहीं हो आपको पता है कि ये पीजन ही है या कबूतर ही है तो आंसर इज थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हनी बीज एंड बिहाइव ये हमेशा आता है क्वेश्चन और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है ये है अनिता एंड दी हनी बीज इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था ई uh, के ऊपर बहुत अच्छे से आपको जाके देखने की जरूरत है अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और हमने पिक्चर्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा है इस चीज़ को सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हनी बीज एंड बीहाइफ़ तो हनी बीज और बिहाइफ़ के बारे में कुछ बताओ मधुमक्खी और उनके छत्तों के बारे में आप विषय में कुछ कथनों पर विचार कीजिए कि उसमें से कौन से सही हैं तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आप यहाँ पे देख लिया कीजिए कि ये सही कथन के लिए पूछ रहा है गलत कथनों के लिए पूछ रहा है तो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आता है आपको कनेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स छाटनी है सही जो स्टेटमेंट्स है वो छाट छाटनी है तो पहला है देअर आर ओनली अ फ्यू मेल हनी बीज इन बिहाइव ये बिल्कुल बात सही है ये बात वाली बात बिल्कुल सही है कि किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं जो एक्चुअली किसी काम की भी नहीं होती हैं ऐसा कहा जाता है बी है आ बिहाइव हैज़ ओनली वन क्वीन बी दैट ले एग्ज ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि एक जो बिहाइव होता है उसमें एक क्वीन बी होती है जिसका काम होता है अंडे देना चाहे ये बात आप हनी बीज के लिए कहो और चाहे ये बात आप चीटियों के लिए कहो तो दोनों के लिए बात बिल्कुल सही है कि दोनों में क्वीन आंट एंड ये क्वीन हनी बी होती हैं जो अंडे देती हैं और एक होती है जिसका ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है क्योंकि ये अंडे देने का काम करती हैं सो so, uh, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है ये बात भी बिल्कुल ठीक है सी देख लेते हैं मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग हाइव्स ये बिल्कुल बात गलत है कि मेल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाइव्स या छत्ते के लिए ऐसा नहीं है वो एक्चुअली कुछ काम नहीं करते और वैसे भी वो कम ही होते हैं कम मात्रा में होते हैं उनका ऐसा कुछ काम नहीं होता मोस्टली जो जैसे आर्म्स में भी क्या होता है जो सोल्जर आर्म्स होती हैं वो ख्याल रखती हैं वैसे ही जो हाई जो फीमेल बीज होती हैं वर्कर बीज जिनको हम कहते हैं वो मधुम वो छत्ते का ख्याल रखती हैं तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है डी स्टेटमेंट इज़ मेल बीज फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर ये बात भी बिल्कुल गलत है पहली चीज़ तो छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियों का बहुत महत्वपूर्ण है नर मधुमक्खियाँ बिल्कुल किसी काम की नहीं है यहाँ पे एंड नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों को के चारों ओर नाचती हैं बिल्कुल नहीं मैंने ये अपने ऑलरेडी जो मैं पढ़ा रही थी चैप्टर सी का उसमें मैंने पहले ही बताया था फिफ्थ क्लास का एन जब हम पढ़ रहे थे कि जो वर्कर बीज होती हैं या जो नेक्टर लेकर आने की कोशिश करते हैं वो वाली बीज डांस करती डांस करती हैं जिसको हम वेगल डांस कहते हैं जो एक हुप में डांस करती हैं ऐसे करके एक हुप होता है उसमें डांस करती हैं ताकि वो बता सकें बाकी सबको कि यहाँ पर इस फूल में नेक्टर है राइट सो मेल बीज फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर ये बात गलत है एंड फीमेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर्स फॉर हनी ये आधी बात तो ठीक है कि जो फ़ीमेल बीज होती हैं वो कलेक्ट करती हैं फ्लावर से नेक्टर लेकिन वो सर्च भी करने जाती हैं बट यहाँ पे ये गलत लिखा है तो डी स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा भले ही डी स्टेटमेंट आधा सही है पर ये फिर भी आ, पूरा सही नहीं है तो डी तो बिल्कुल ही होगा जहाँ जहाँ डी है पहली बात तो वो वो कट जाएगा क्योंकि डी तो गलत है एंड इवन सी भी गलत है तो जहाँ जहाँ पे भी सी दिख रहा है वो सारे गलत हैं तो बचा ए एंड बी तो आंसर ए एंड बी होगा और सी टेट के बोर्ड ने भी आंसर फर्स्ट यानी कि ए एंड बी को ही माना है सो ए ए एंड बी ओनली इज द राइट आंसर और आंसर uh, की में भी यही है और वैसे भी आंसर भी यही है करेक्ट ठीक है ना

आपको अपने इमोशंस पे कैसे काबू पाना है कैसे कंट्रोल करना है कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि अपने अंदर दबा के रखोगे मेच्योरिटी का मतलब है कि कब कहाँ कैसे अपने इमोशंस को आपने जाहिर करना है तो अगर आप स्पोर्ट्स में हार भी गए जीत भी गए या फिर अगर आप गिर गए चोट लग गई तो तब भी आपको आपके अंदर उतनी इमोशनल मेच्योरिटी होनी चाहिए तो भावनात्मक परिपक्वता होनी चाहिए देन आता है मेंटल अलर्टनेस ऑब्वियसली आपको कोई एकदम से आउट करके भाग ना जाए इसलिए आपका दिमाग जो है अलर्ट होना चाहिए कबड्डी के टाइम पे जब हमने कबड्डी जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी ऐसा ही होता है कि जो इंसान होता है वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता है उसका दिमाग भी चलता है और फिजिकल फिजिकली भी उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा वर्क करती है कि दूसरे उसमें जाना है एंड दूसरे जो वहां पर प्लेयर है उसको आउट करके फटाफट से आना है आपके अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए मेंटल अलर्टनेस भी होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए तो यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ये नॉट पूछ रहा है तो देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव होता है इमोशनल मेच्योरिटी पहले अब ये देखो कि क्या 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 ऑब्जेक्टिव है तो इमोशनल मेच्योरिटी इज वन ऑफ दी एस्पेक्ट्स ऑफ और वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये बात बिल्कुल ठीक है कि खेल कूद का लक्ष्य क्या होता है पहले हम नहीं को छोड़ देते हैं पहले हम ये देखते हैं कि खेल कूद का लक्ष्य क्या है तो भावनात्मक परिपक्वता बनाना इमोशनल मेच्योरिटी लेना लेकर आना मानसिक सतर्कता कि आप मेंटल रूप में भी बहुत अलर्ट होने चाहिए हो फिर सरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटी आपके अंदर सोशल एबिलिटी टीम स्पिरिट टीम वर्क या जो भी होता है वो सब स्पोर्ट्समैनशिप जिसको हम कहते हैं वो सब कुछ आपके अंदर होना चाहिए पर क्या लक्ष्य नहीं है विनिंग देखो केवल जीत हासिल करना इज नॉट द लक्ष्य नॉट द टारगेट ऑफ दी स्पोर्ट्स एंड गेम्स और नॉट द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ दी स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो विनिंग सिर्फ जीत हासिल करना नहीं आप जीत रहे हो लेकिन मान लो आपने दूसरे प्लेयर को औरंगी दे दी और आप ऐसे करके जीत रहे हो आपने उसको गिरा दिया तो ये जीतना भी कुछ खास जीतना नहीं है आपके अंदर इमोशनल मेच्योरिटी मेंटल अलर्टनेस कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटी सब कुछ होना चाहिए आपने कभी देखा होगा ना कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं चाहे कोई हार भी गया हो तो भी उसको उससे हाथ मिलाया जाता है कि तुमने भी बहुत अच्छा खेला तुमने भी बहुत बेस्ट खेला तो केवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स का काम विनिंग नहीं है अपना फ़िजिकली भी आपको अच्छा रखना आपके अंदर स्ट्रेंथ आना मेंटल अलर्टनेस आपका फिजिकल वेलनेस और बहुत सारी चीजें होती हैं सिर्फ विनिंग एक ऑब्जेक्टिव नहीं है ना क्वेश्चन नंबर थ्री सेवेंटी फोर्थ एक्चुअली क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री जो है वो फर्स्ट है बोर्ड ने भी आंसर इसी को माना है कि ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर्थ इज़ ये मेरा गलत हो गया था पता नहीं मैंने कैसे कहाँ पढ़ लिया कि हमारे पास थ्री परसेंट ही है जो फ्रेश वाटर है लेकिन इसका आंसर टू पॉइंट सेवन है या फिर इसका आंसर टू पॉइंट फाइव है बट हद कुछ हद तक ये टू पॉइंट सेवन के आसपास का ही है तो टू पॉइंट सेवन इज़ दी राइट आंसर ओवर ही सो बोर्ड ने भी आंसर थ्री को ही माना है सी uh, टेट में तो द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन दी अर्थ इज़ वन बिल्कुल नहीं फाइव बिल्कुल नहीं थ्री बिल्कुल नहीं टू इज़ दी राइट आंसर हालांकि मैंने कहीं थ्री थ्री समथिंग पढ़ लिया था तो मुझे लगा कि थ्री पॉइंट टू होगा तो मैंने उस पर टिक कर दिया जो कि गलत हो गया था मेरा पर एनी वेज कोई बात नहीं है फैक्ट बेस्ड चीजें हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन एंड टुम्बा आर मेड फ्रॉम ड्राइड अब ये जो पूरा टॉपिक है ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका एक वो है स्नेक चार्मर्स स्टोरी ये फिफ्थ क्लास का एक वो है फिफ्थ क्लास का ही है ना ये शायद से या फिफ्थ एंड हाँ फिफ्थ क्लास का ईवीएस का ये एक चैप्टर है आ, आ, स्नेक चार्मा स्टोरी तो उसमें बताया गया है कि बीन तुम्बा और एक और होता है वो मैं अभी भूल रही हूँ तो बीन तुम्बा और एक और इंस्ट्रूमेंट है जो किससे बनाया जाता है तो वो ड्राइड गॉड से बनाया जाता है लौकी से बनाया जाता है तो इससे बनाया जाता है ड्राइड गॉड से बनाया जाता है तो इसके बाद मैंने ना इसकी पिक्चर्स भी चिपकाई हैं आप देखना स्नेक चार्मर्स स्टोरी करके एक मैंने एक बनाया था सी टेट का उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो मैं मैंने बहुत अच्छे से पिक्चर्स लगा के भी समझाया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो वो गॉड से बने होते हैं ना कि पम्पकेट ना कि जैक फ्रूट ना कि ये हाथी चकिया जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये सो ना ही कद्दू ना ही कटहल ना ही वजरंगी कुछ नहीं ठीक है सिर्फ लॉकी से बनाया जाता है अब हम पढ़ते हैं अपना सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे आपके ईवीएस के फिफ्टी क्वेश्चन खत्म होते हैं जो कि बुक से रिलेटेड थे थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की बुक से रिलेटेड जो भी फिफ्टीन क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं टेन क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे और ये फाइव क्वेश्चन अब हम आज कंप्लीट कर चुके हैं सेवेंटी फाइव तक अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स जो कि बेसिकली पैडागॉजी बेस्ड है तो यहाँ से आपके बाकी फिफ्टीन क्वेश्चन जो होंगे वो पैडागॉजी बेस्ड होंगे तो uh, हाँ तो सेवेंटी फिफ्थ हमने कर लिया था इसका फर्स्ट होगा ठीक है आंसर्स बाद में आप आंसर किसे मैच कर लेना मैंने लास्ट में दे रखी है ना क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स जो कि बैठागा जी बेस्ड है क्वेश्चन इज असेसमेंट एज लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर अब देखो असेसमेंट एज लर्निंग ठीक है कि आप असेसमेंट कर रहे हो ताकि लर्निंग हो जाए सीखने के रूप में ताकि सीख सकें आप तो इसलिए आकलन किया जाता है ताकि आप और अच्छे से सीख सको देखो एक होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है आप ऐसे समझो असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग वैसे ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है अपनी क्लासेस में जो पेडागोजी की थी बट स्टिल सुन लो आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब जो पढ़ लिया है उसका असेसमेंट ठीक है असेसमेंट फ़ॉर लर्निंग का मतलब है कि लर्निंग आगे बेहतर हो सके इसलिए असेसमेंट हो रहा है फ़ॉर का मतलब ये होता है फिर है असेसमेंट एज लर्निंग जिसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या चीज़ें शामिल है सीखने के रूप में ताकि आप सीख सको उसके लिए आकलन के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए यानी कि आप कैसे असेस कर सकते हो ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से हो सके या फिर उसको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल सके तो आप सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करवा सकते हो यानी कि आत्म प्रतिबिंब सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है आत्म प्रतिबिंब यानी कि अपने आप को देखना सेल्फ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना कि आपको कितनी चीजें समझ आ रही है आप कितना समझ पा रहे हो क्या क्या चीज़ें आपकी आपके वो वाले सेक्शंस uh, या फिर वो वाले क्वेश्चन हैं या वो वाले टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आए या ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है इसका आपको आपको उन चीज़ों के ऊपर रिफ़्लेक्ट करना चाहिए आपको सेल्फ रिफ़्लेक्शन करना होगा कि मुझे क्या समझ आया और क्या नहीं आया तो ये होता है आत्म प्रतिबिंब कि सीखने के दौरान आपको क्या समझ आया और आपको क्या समझ नहीं आया दैट इज़ सेल्फ़ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट इज़ पीयर असेसमेंट पीयर असेसमेंट का मतलब ये होता है कि अपना सहकर्मी आकलन यानी कि अपने दोस्त का असेसमेंट पीयर असेसमेंट उसको कहते हैं कि जैसे एक बच्चा है वो अपने दोस्त की कॉपी देख रहा है उससे पूछ रहा है सवाल जवाब कर रहा है और ये उससे सवाल जवाब कर रहा है उससे पूछ रहा है ये पीयर असेसमेंट है कि जब हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या लगता है आपको कि उसके कौन से टॉपिक्स सही हैं वो किस चीज़ में अच्छा है किस चीज़ में अच्छा नहीं है तो ये होता है पीयर असेसमेंट तो असेसमेंट आप सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने आप का भी कर सकते हो पीयर असेसमेंट अपने सहपाठी अपने दूसरे जो आपका साथी है उसका भी कर सकते हो फिर आता है समेटिव असेसमेंट जी नहीं असेसमेंट सबसे लास्ट होता है, जिसे हम टर्म एंड एग्जाम भी कहते हैं और ये बिल्कुल लास्ट होता है जिसमें आपको जस्ट मार्क्स दे दिए जाते हैं और या तो आप अगले क्लास में चले जाते हो या तो फिर आप आपकी कंपार्टमेंट आती है या तो फिर आप उसी क्लास में रह जाते हो ये होता है सब्मेटिव असेसमेंट ये आपको कोई फीडबैक नहीं देता बल्कि आपने जितना पढ़ा है पूरे एक साल में जैसे कि आपका टर्म एंड होता है मार्च के आसपास राइट और अभी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे होंगे जो ट्वेल्थ टेंथ और एथ नाइन्थ के हैं कि आपका पूरा सिलेबस आपको दे दिया जाता है कि बारे में अस्सी मार्क्स का या हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम होता है और आपको वो देना होता है दिस इज सबमिटिव असेसमेंट जिसमें आपका जिसमें आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको रैंक दे

और यहाँ पे आपको ऐसा करने की ज़रूरत है एक काम करो आप इस चीज़ को डिस्कवर करो आप ये वाला काम करो मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे देती हूँ आप इस चीज़ को चेक करके लेकर आओ इस पर थोड़ी सी रिसर्च करो थोड़ा सा दस मिनट इस टॉपिक को पढ़ो दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक जो आपको फीडबैक मिल रहा है रचनात्मक प्रतिपुष्टि पुष्टि कि आपने ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इसलिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत है या फिर मैं आपको किसी और तरीके से समझाऊँ या फिर आपको इस, इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करना चाहिए तो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे टाइम मैनेज हो पाएगा तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक तो ये तो मैंने टर्म्स के नाम बताए हैं अभी तक अभी आप समझो कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है इनमें से कौन कौन अवसर प्रदान करता है कि आप बेहतर सीख सको और असेसमेंट भी हो जाए और आप बेहतर सीख भी पाओ तो दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन पीयर असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट इज ए बी एन डी तो ए बी एन डी दैट इज क्वेश्चन ये जो ऑप्शन टू है वो राइट right आंसर है ए बी और डी और यही बोर्ड ने सीटेट ने भी माना है और इसका आंसर भी यही है कि सिंपल आप समझ लो कि अगर आप आत्म प्रतिबिंब करोगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता आप सेल्फ पर रिफ्लेक्ट करोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे कि आपको क्या चीज़ आप जल्दी सीख पाओगे और क्या चीज़ आप थोड़ा लेट सीख पाओगे या क्या चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है तो आपको आत्म प्रतिबिंब करना चाहिए फिर सहकर्मी आकलन हम पीयर असेसमेंट भी करते हैं ठीक है पीयर असेसमेंट इन देंस कि आपके दोस्तों से पूछते हैं या आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो है ना कि मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं किन चीज़ में कमज़ोर हूँ या ये वाला टॉपिक पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है कि वो वो कहेगा कि तुम्हारी स्पेलिंग्स मिस्टेक होती हैं या तुम शायद कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हो सेंटेंसेस का तो ये पीयर असेसमेंट है जो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो सहकर्मी आकलन या तो आप उसका आकलन कर रहे हो या तो वो आपका आकलन कर रहा है तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है लर्निंग का क्योंकि वो आपको बता देगा कि आपके जो लूज़ पॉइंट्स जो भी हैं वो क्या हैं और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर या किसी पीयर के थ्रू से मिलना ठीक है कि मतलब कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक मतलब कि आपने जो कुछ भी किया उसके बेसिस पर आपको फीडबैक मिलना मिलना चाहिए जैसे आप पेंटिंग करते हो ड्रॉइंग बनाते हो कुछ कुछ लाइन्स होती हैं आप फेस ड्रॉ करने की भी कुछ लाइन्स होती हैं राइट अगर आपको फेस ड्रॉ करना है तो उसके भी कुछ लाइन्स या सिमेट्रीज या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आपने वो थोड़ा अच्छे से नहीं किया वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया या फिर जो आपको बोला गया था कि इसके जैसे कि नोज के जो नोज का एंड वाला पार्ट होता है वो आपके मतलब उसी के अगर आप सीधे चले जाओगे तो फिर आपका ईयर एंड हो रहा होगा मतलब जहाँ आपका नोज़ एंड होता है वहीं कहीं आपका ईयर एंड होता है ऐसे मैंने जब मैं ड्राइंग का क्लासेस कर रही थी तो उस दौरान मैंने ये सीखा था कि कैसे फेस का वो जो होता है स्ट्रक्चर वो कैसे बना होता है तो इस तरह का कुछ था तो ये अगर मैंने ऐसा नहीं किया मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर बना दिया दैट मीनस मुझे टीचर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है कि बच्चा आपने थोड़ा सा इसको गड़बड़ किया है आप इसको करके आओ तो ये फीडबैक है इससे तो लर्निंग और अच्छी होगी ना और फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये सिस्टम होता है कि जहाँ नोज एंड होती है वहीं आपका ईयर एंड होता है और जहां से आपकी नोज या आंखें शुरू होती हैं वहीं आपका जो ईयर होता है उसका शुरुआत हो रहा होता है वो बिगनिंग पार्ट होता है तो ऐसे बनाना होता है ताकि सिमेट्री में बने सारी चीजें मतलब इस तरह से कुछ था तो यही चीज है ये लर्निंग को बेहतर बनाता है फीडबैक भी लर्निंग को बेहतर बनाता है पीयर असेसमेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन सब कुछ लर्निंग प्रोवाइड करता है मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप लर्न कर सको सो दैट इज वाई ऑप्शन टू बिल्कुल सही है समेटिव असेसमेंट नहीं होगा क्योंकि समेटिव असेसमेंट जस्ट एक टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं जिसके बाद आपको मार्क्स देके नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए कह दिया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखो फॉर क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स द करिकुलम ऑफ ई वी एस शुड इंक्लूड कॉन्टेक्स रिलेटेड टू यानी कि पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए ईवीएस का जो करिकुलम है उसे क्या चीज को कौन से कॉन्टेक्स को ऐड करना चाहिए उनके खुद के सेल्फ को होम को घर को या नेबरहुड एंड कम्युनिटी एट अ लार्ज देखो जो फिफ्थ क्लास आपने पढ़ी होगी थोड़ी सी भी खुद भी फिफ्थ क्लास की जो एन थी क्या उसमें बच्चे के ही बारे में बात हो रही है उसके बॉडी पार्ट्स उसका सोचना सेल्फ वगैरह नहीं आस पड़ोस की भी बात हो रही है प्लांट्स एंड एनिमल्स की भी बात हो रही है क्या सिर्फ घर की बात हो रही है तो बिल्कुल नहीं घर की ही देखो उसकी खुद की भी बात हो रही है होम की भी बात हो रही है स्कूल की भी बात हो रही है लेकिन सिर्फ इन यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना यहां पे आपको ऑप्शन भी दे रखा कि ए भी है बी भी है ऐसे होता तो हम सभी पे टिक करते कि हां सभी चीजों की बात होती है बच्चे के एन्वायरमेंट से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे ईवीएस के करिकुलम में सिर्फ सेल्फ़ की बात नहीं हो रही बच्चे के खुद की बात नहीं हो रही सिर्फ घर की बात नहीं हो रही सिर्फ स्कूल की बात नहीं हो रही बल्कि उसके आस पड़ोस अब उसके आस पड़ोस में उसके पड़ोस में एनिमल्स भी हैं बर्ड्स भी हैं जो ट्रीज़ प्लांट वगैरह सब कुछ हैं उस घर भी है उसके दूसरे पड़ोसियों का बड़े पैमाने पर समुदाय की बात की जा रही है समुदाय में एक वर्ग ऐसा है जो पॉट बनाता है जो पॉटरी का काम करता है जिसको हम कहते हैं घड़े बनाना कोई जो है वो पंक्चर ठीक करता है कोई जो है वो आपके शूज़ को मेन करता है समुदाय की बात हो रही है दैट मीन्स उसके आस पड़ोस की सारी चीज़ों की बात हो रही है है और जिस कम्युनिटी में वो रहता है उसकी बात हो रही है इज़ ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ फोर्थ करेक्ट कक्षा पांचवी के छात्रों के लिए संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए जिसमें उसका पड़ोस शामिल होना चाहिए कॉम्युनिटी उसका, उसका समुदाय बड़े पैमाने पर शामिल होना चाहिए जिसमें सभी कुछ है ठीक है तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इज एन असेसमेंट टूल असेसमेंट की बात हो रही है दो क्वेश्चन असेसमेंट के ऊपर आ चुके हैं और असेसमेंट हम पहले भी कर चुके हैं मैथ्स की पैडागॉजी में भी कर चुके हैं और ईवीएस e पैडागॉजी में भी कर चुके हैं तो आपको वो देखनी चाहिए वो बहुत अच्छी है वो सारी विडियोज एन असेसमेंट टूल विच कलेक्ट्स नॉट जस्ट द बेस्ट बट ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड वर्क और एक्टिविटीज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है इसमें हम क्यूमलेटिव रिकॉर्ड भी कर चुके हैं ये इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए जो ये आपको मिल जाएगा मैथ्स के पैटेगोरी में उसमें मैंने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड समझाए हैं संचय रिकॉर्ड समझाएं हैं समझाएं जिसमें सब कुछ होता है मतलब संचय रिकॉर्ड में सारा बच्चे का रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ होता है लेकिन उसमें रिकॉर्ड का एविडेंस नहीं होता रिकॉर्ड का एविडेंस पोर्टफोलियो में होता है और आंसर भी इसका पोर्टफोलियो है एंड रूब्रिक्स ये ईवीएस के किसी एक टॉपिक को या कुछ उस तरीके से चेक करने के लिए काम आती है मतलब आपको देखना चाहिए वो वीडियो देखना चाहिए एन डॉटल रिकॉर्ड बच्चे के एक उससे रिलेटेड होता है उसके लाइफ के एक बहुत बड़े इवेंट से रिलेटेड होता है एनेकडोटल रिकॉर्ड तो इसका आंसर पोर्टफोलियो है ठीक है क्यूमेलेटिव रिकॉर्ड नहीं रूब्रिक्स नहीं एंड रूब्रिक uh, नहीं और एनेकडोटल रिकॉर्ड नहीं पोर्टफोलियो क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो कैसा असेसमेंट है पोर्टफोलियो एप्स ऐसा समझ लो ऐसी फाइल समझ लो जिसमें असेसमेंट जिसमें उसने जो कुछ भी किया उसका एविडेंस रखा है सो एन असेसमेंट टूल विच कलेक्ट्स नॉट जस्ट द बेस्ट बट ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड वर्क बच्चे के गिने चुने वर्क नहीं सभी वर्क को रखा जाता है इवन अगर उसको प्राइज मिला है तो प्राइस को तो फाइल में आप लगा नहीं सकते बट प्राइस की फोटो खींच के तो रख सकते हो कि बच्चे को पहनाते so, एक 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 हुए सर्वोत्तम कि सर्वोत्तम कार्य को तो रखता है बच्चे के जो उसने बहुत बेस्ट वर्क किया मान लो राखी कॉम्पिटिशन बहुत सुंदर राखी बनाई है तो उसको भी चिपका दिया रख दिया फाइल में तो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है पोर्टफोलियो तो ये पोर्टफोलियो है इसका आंसर मतलब बोर्ड ने पोर्टफोलियो माना है लेकिन कुछ लोग इसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी कह रहे हैं पर प्रॉब्लम यह है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में ना Uh, सारी चीज़ों को रखा नहीं जाता मतलब एविडेंस नहीं रखा जाता लेकिन पोर्टफोलियो में एविडेंस रखा जाता है इसमें क्वेश्चन हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि ये डाउट में है लेकिन तब भी पोर्टफोलियो मुझे तो सही लग रहा है बाकी लेट्स सी पोर्टफोलियो ही होगा बाकी फाइनल आंसर की में देखेंगे क्या है बट पोर्टफोलियो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिसमें उसके चाइल्ड के बेस्ट वर्क को तो रखा जाता ही है लेकिन बाकी की एक्टिविटीज़ को भी रखा जाता है जो उसने पूरे समय में की है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवेंटी नाइन्थ है यहाँ पे लिखा नहीं है ई वी एस इज विजुअलाइज एंड एज़ एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बिकॉज देखो बहुत बहुत आसान है लेकिन बच्चों को दो पॉइंट्स में कन्फ्यूजन हो सकती है ठीक है समझने में लेकिन आसान है ईवीएस वी विजुअलाइज एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बिकॉज ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है और हम ये बहुत पहले से जानते हैं कि ईवीएस एक एकीकृत एक विषय इसलिए है क्योंकि हम इसमें साइंस के बारे में पढ़ते हैं पेट्रोल वेट्रोल और ये सारी चीज़ें पल्यूशन वगैरह गे बच्चा पढ़ लेता है सोशल साइंस के बारे में पढ़ते हैं समाज में क्या है नागरिक के पास वोट है वोटिंग राइट्स है अपना अधिकार है ये सब पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन थोड़ा एनिमल्स के बारे में बायोडाइवर्सिटी के बारे में जैसे आ, हंटिंग एंड पोचिंग हो रही है ये सब इन्वायरमेंटल एजुकेशन है कि जो आ, राइनासॉरस को उनके हॉर्न्स के लिए एलिफेंट को उसके टस्क के लिए और जो स्नेक है उसको अपनी स्किन के लिए और डियर को उसके मस्क के लिए ऐसे मारा जाता है तो ये इन्वायरमेंट के अंदर आता है और उसमें बताया भी है जो पार्क होते हैं जैसे जिम कॉर्बेट पार्क उसके बारे में बताया हुआ है तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आती हैं सो दैट इज़ ई को एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट दैट इज़ इट ड्रॉज इनसाइट्स फ्रॉम द साइंसेस क्योंकि यह विज्ञान सामाजिक विज्ञान शिक्षा में से से दृष्टि प्राप्त करता है बच्चे को सभी चीजों का ज्ञान दिया जाता है चाहे वो विज्ञान हो चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो यानी कि साइंस हो सोशल साइंस हो चाहे वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो अच्छा ईवीएस को एक विजुलाइज किया जाता है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में क्योंकि वो उसमें स्टूडेंट्स टीचर्स एंड पेरेंट्स आते हैं इन द स्टडी ऑफ ईवीएस नहीं मतलब ऐसा होता है लेकिन ये कारण नहीं है उसके इंटीग्रेटेड होने का ये बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स को भी ऐड किया जाता है उनको एक्टिविटीज़ देके टीचर का भी इंपॉर्टेंस होता है पेरेंट्स का भी इंपॉर्टेंस होता है आप उनसे भी बहुत बहुत चीज़ें पूछते हो लेकिन ई को इंटीग्रेटेड इन तीनों की वजह से तो नहीं कहते हैं इट इंटीग्रेट्स कम्युनिटी इन द ई लर्निंग इन द लर्निंग ऑफ ई ये भी सही बात है लेकिन इसकी वजह से ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट नहीं है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ई केवल इस वजह से है क्योंकि उसमें विज्ञान सामाजिक विज्ञान और इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल एजुकेशन को रखा जाता है अब एक चीज और है कि बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे इट इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज़ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कशन इन टू द लर्निंग ऑफ ई कि ई में ये तीनों चीज़ें होती हैं इसलिए उनको लग रहा था कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है कि इसमें एक्टिविटीज भी होते हैं एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं डिस्कशंस भी होती हैं बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ई में भले ही ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन तब भी ई को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट उसके उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें विज्ञान सामाजिक विज्ञान और इन्वायरमेंटल एजुकेशन शामिल है ठीक है सो आंसर विल बी फर्स्ट एंड बोर्ड ने भी इसी को माना है और सही आंसर भी इसका यही है इसमें कोई चैलेंज अगर करेगा भी तो फिर ये आंसर उसका मतलब वो गलत ही माना जाएगा जो उसने किया है क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल फर्स्ट है सो so, यह yeah, समुदाय में ई को ई सीखने में एकीकृत करता है यह गतिविधियाँ प्रयोग और चर्चाओं को ई e की कक्षा में एकीकृत करता है देखो वैसे कि तीनों ये तीनों जो टॉपिक्स है ना ये बिल्कुल सही हैं मैं आपको इस चीज को कैसे समझाऊं पर ये तीनों सही हैं लेकिन तब भी ये तीनों की वजह से ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट नहीं है वो इसलिए है क्योंकि उसमें साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐड है नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज which ऑफ द फॉलोइंग शुड बिकम द मेजर मीडियम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ईवीएस ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्व प्रमुख माध्यम बना है तो शिक्षक छात्र माता पिता नहीं पर्यावरण बच्चा अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीखता है और उसके पर्यावरण में शिक्षक यानी कि टीचर्स अपने आप आ जाते हैं छात्र खुद भी अपने आप आ जाता है और माता पिता भी उसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो उसके सामाजिक होम का मतलब जहाँ पे वो रहता है उसका हिस्सा है तो देखो अकेले टीचर्स मीडियम नहीं है ईवीएस सिखाने का या अकेला स्टूडेंट नहीं है अकेला पेरेंट्स नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट के अंदर ये तीनों लोग आ जाते हैं इसीलिए इन्वायरमेंट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है और आंसर भी इसका थर्ड है आप आंसर की के साथ इस चीज़ को मैच करके देख सकते हो हमने अब तक ई के ट्वेंटी क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं जिसमें से हमने फिफ्टीन क्वेश्चन ई के जो बुक होती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास का ई का बुक होता है उससे हमने फिफ्टीन क्वेश्चन किए और अभी पाँच क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ से किए हैं अभी जो अभी जो रिसेंटली के सेवेंटी सिक्स से लेकर के सेवन एट्टी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये फाइव uh, क्वेश्चन जो किए हैं ये पैटागॉजी बेस्ड है अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम टेन और क्वेश्चन लेकर आएंगे वो भी ई की एस से होगा उसके बाद ई का सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दूसरे सेक्शंस पर चल सकते हैं पर अब आपको क्या करना है आपके सामने देखो जिनका भी एग्जाम अगर रह जाता है मान लीजिए ठीक है उनको एक तो निराश नहीं होना है और ऐसे डीमोटिवेटेड नहीं होना है ये आसान है और किसी को जिसको जो कहना है उसको कह लेने दो कि तुम्हारा इतना भी तुम ये नहीं, नहीं कर पाए उनकी बातों पे आप इतना ज़्यादा गौर मत करो यकीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो उनकी बातों को बस ये समझो कि पिछली बार क्या कमी रह गई थी इस बार उस कमी को पूरा करेंगे ठीक है और मिल पूरा करेंगे एंड आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो इन चीज़ों को और अपने अंदर ये चीज़ रखो बस और कुछ नहीं है और प्रीवियस ईयर तो मैं जैसे प्रीवियस ईयर तो क्या लेकिन आप इस साल के 2023 के जितने भी वो होंगे चैप क्या बोलते हैं इनको जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे जितने भी शिफ्ट्स में आए होंगे वो सारे हम करेंगे चाहे वो सी हो ईवीएस हो हिंदी हो इंग्लिश हो मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन हो हम सारे करेंगे सो दैट नेक्स्ट जो सीटेट है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा ठीक है तो हम सभी शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और सभी डेट्स का एनालिसिस करेंगे लाइक फर्स्ट ऑफ फेब्ररी के बाद जब भी एग्जाम हुआ था सिक्स को आता सेवन को आता फोर्थ को आता सबका करेंगे जो कि हमारे आने आगे आने वाले सी में काम आएगा मेरे ख्याल से 2023 के जुलाई या अगस्त के आसपास आपका आना चाहिए वैसे तो सी टे दोबारा आना चाहिए बाकी देखो बोर्ड क्या डिसाइड करता है उसके पास और भी काम है और भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने होते हैं जैसे एन टी ए वगैरह यू जी सी वगैरह का तो लेट्स सी क्या होता है होप फॉर दी बेस्ट अगर नहीं हुआ है और अगर हो गया तो आप और अच्छे से डी टप्ल एस बी एंड के वी एस की तैयारी में अभी से जुड़ जाइए ये मत सोचे कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ़ होने जा रहा है तो इसलिए आपको अच्छे से अपने बेसिक्स बेसिक्स को क्लियर करते करते चलना है और अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपने या कोई ऐसा वर्ड लग रहा है जो आपने पहली बार सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बना के दूंगी अगर आपको कोई भी मटेरियल कहीं से नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे बाकी टिल देन कीप लर्निंग कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माइ वीडियोज थैंक यू सो मच एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट भी कर दिया करो कभी तो ठीक है इतना तो करा करो कम से कम ये तो फ्री है वो भी नहीं कर रहे हो चलो एनी वेज बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट